हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे फेरोवोइज एक्सटी सिरप के बारे में। आखिरकार फेरोवोइज एक्सटी सिरप यानी कि यह जो सस्पेंशन है, इसका उपयोग कब किया जाता है, क्या इसकी डोज रहने वाली है, क्या इसके फायदे रहने वाले हैं और क्या इसके नुकसान रहने वाले हैं, आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, फेरोवोइज एक्सटी सस्पेंशन के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बात करें अपन इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में, तो इसके अंदर फेरिस एस्कारबेट दिया गया है, साथ में इसके अंदर फोलिक एसिड दिया गया है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि आखिरकार यह जो सिरप है, यह किस प्रकार की समस्याओं से राहत देने में मदद करती है। तो देखिए, इस सिरप का मुख्य उपयोग यदि कोई पेशेंट उसके शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है तो आयरन की पूर्ति करती है। इसके अलावा अपने शरीर के अंदर एनीमिया जैसी समस्याएं हो गई, यानी कि खून की कमी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, तो उससे राहत देने में मदद करती है। यह जो सिरप है, यह अपने शरीर के अंदर आयरन का स्तर को बनाए रखती है, जिससे कि अपने शरीर के अंदर खून की कमी वगैरह हो जाती है, तो जिसके कारण अपन को थकान कमजोरी देखने को मिलती है, या फिर कई बार खून की कमी के कारण चक्कर वगैरह आने जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की समस्याओं से राहत देने में मदद करती है। इसके अलावा अपने शरीर के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी के कारण अपने खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खून की पूर्ति करने में मदद करती है। यह अपने शरीर के अंदर नए सेल्स का निर्माण करती है, जिससे कि अपने शरीर के अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है उसकी पूर्ति होने लगती है। तो अपने शरीर के अंदर जब ब्लड की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर से इस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि पेशेंट को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इस सिरप के अंदर जो फोलिक एसिड दिया गया है, यह विटामिन बी का एक रूप होता है, जो कि अपने शरीर के अंदर आरबीसी के निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो कि पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। साथ में कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो प्रेगनेंसी के समय भी डॉक्टर से इस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि महिलाओं को खून की कमी जैसी समस्याएं देखने को नहीं मिले। इसके अलावा इसके अंदर फेरिस एस्कारबेट दिया गया है, जो कि अपने शरीर के अंदर बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि अपने शरीर के अंदर जो आरबीसी के निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यह जो सिरप है, आयरन की डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति करने में मदद करती है। प्रेगनेंसी के दिनों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा यह जो सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि उसके शिशु के साथ में पेशेंट है उसको प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मिल सके और साथ में उसको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको थकान कमजोरी रहती है, खून की कमी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे पेशेंटों को भी यह जो सिरप है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें अपने इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो साइड इफेक्ट वैसे आपको इसके कुछ भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह जो सिरप है एक अपने शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी पूर्ति करती है। लेकिन कई बार पेशेंट को इस सिरप को लेने के बाद नोजिया, वोमिटिंग जैसी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। देखिए, अपन बात करें इस सिरप की डोज के बारे में, तो डोज पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड की जाती है कि पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है। नॉर्मल एडल्ट डोज के बारे में बात करें, तो पेशेंट को 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। इसकी डोज में आपको कमियां ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। यह आपको टेबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाती है, रिजल्ट बेहतरीन देने के काम करती है। यदि यह सिरप आपको फेरोवोइज एक्सटी नाम से नहीं मिले, तो आप इसके अंदर जो कंपोजिशन दिया गया है, फेरिस एस्कारबेट साथ में फोलिक एसिड, इस नाम से नॉर्मली मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाला अन्य ब्रांड के आपको यह जो सिरप दे देगा। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है फेरोवोइज एक्सटी सस्पेंशन के बारे में, कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस सस्पेंशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसका इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली, तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।